नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। इस समय की सबसे बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर आपको विस्तार से खबरें बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को आगे बताएंगे, उद्धव ठाकरे बनेंगे अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और भी इसी प्रकार की खबरें आगे जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए और एक प्यार वाला लाइक वीडियो को अभी कर दीजिए। तो आइए दोस्तों खबरें विस्तार से जान लेते हैं। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट से पहले पीछे हटे देवेंद्र फडणवीस, सीएम पद से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से देवेंद्र फडणवीस ने अपना इस्तीफा दे दिया है। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के कुछ मिनट पहले ही एनसीपी के बागी नेता अजीत पवार ने उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फडणवीस ने इस्तीफे का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और फिर राज्यपाल से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों आप लोगों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात भी हुई। इसी के बाद अजीत पवार ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की खबर के बीच शिवसेना ने दावा किया कि अजीत दादा हमारे साथ हैं। शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि अब 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी को लगा है यहां पर तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद, यानी कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही बीजेपी ने हार मान ली, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को आज नहीं तो कल इस्तीफा देना ही था। क्योंकि ये पूरा देश जानता है, महाराष्ट्र की जनता जानती है कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र की हत्या करते हुए उन्होंने सरकार बनाई। इसीलिए इस्तीफा आज नहीं तो कल देना ही था, लेकिन किरकिरी कितनी हुई है बीजेपी का, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। यहां से आप लोगों को बता दें, राज्य से लेकर के केंद्र सरकार तक की किरकिरी हुई है, केंद्रीय नेतृत्व की भी यहां पर जमकर किरकिरी हुई है। बीजेपी के चाणक्य जो अमित शाह कहे जाते हैं, उनकी यहां पर खूब किरकिरी हो रही है। सोशल मीडिया पर काफी लोग मजे ले रहे हैं उनको ऐसे ऐसे कमेंट करके। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, कालिदास कोलंबकर होंगे महाराष्ट्र के प्रोटेम स्पीकर, बीजेपी के विधायक हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, आखिरकार इस सवाल का जवाब भी मिल ही गया कि महाराष्ट्र में कौन होगा प्रोटेम स्पीकर, कालिदास कोलंबकर। जी हां दोस्तों, वे बीजेपी के विधायक हैं। आज महाराष्ट्र में गजब की सियासी उथल पुथल देखने को मिली। अचानक ही अजीत पवार ने राज्य के उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। आज उन्होंने करीब 3 बजे अपना इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ देर बाद देवेंद्र फडणवीस ने राजभवन जाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें, इस मामले को लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आज संविधान दिवस है, संविधान के मूल्यों की रक्षा का सभी जिम्मेदार लोगों पर दारोमदार है। लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। संविधान में निहित इस सच्चाई को समझने की आज महती आवश्यकता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। ये यहां पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को एक और नेता की प्रतिक्रिया बता देते हैं। कांग्रेस के नेता हैं हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सी हरीश रावत ने ट्वीट कर कहा कि शरद पवार जी तुसी रियली ग्रेट हो जी, ग्रेट 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 हो, ग्रेट मराठा। उन्होंने आगे कहा कि अब किसी को शक नहीं रह गया है कि महाराष्ट्र के असली चाणक्य श्री शरद राव पवार हैं। आपने लोकतंत्र की जीत में एक बहादुर सेनापति का काम किया है, जिसके लिए आपको हार्दिक बधाई। ये यहां पर कहा है कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने। और आज सभी नेताओं की तरफ से यही लाइन कही जा रही कि आज असली मायनों में लोकतंत्र की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी की कैसे किरकिरी हुई, क्योंकि सभी जानते हैं कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। बीजेपी ऑपरेशन लोटस के द्वारा विधायकों की जोड़ तोड़ करने की कर रही थी। इसी के लिए उनको 14 दिनों का समय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से दिया गया।
इसीलिए सभी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर थे राज्यपाल सीधे तौर पर, क्योंकि उनका कहना था कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए ही ये बीजेपी को समय दिया गया है ताकि विधायकों की खरीद फरोख्त की जा सके और बीजेपी बहुमत साबित करे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और कल के कल यहां पर कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि कल शाम 5 बजे के बाद आप बहुमत परीक्षण कराइए, जिसके पास बहुमत है उसकी सरकार बनेगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका महाराष्ट्र के अंदर। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें, कल यानी कि 27 नवंबर 2019 को शपथ ले सकते हैं उद्धव ठाकरे, जयंत पाटिल और बाला साहेब थोराट बनेंगे डिप्टी सीएम। जी हां दोस्तों, ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र की सियासत में घटनाक्रम बेहद तेजी से बदल रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया। कल होने वाले इस फ्लोर टेस्ट से पहले ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसी बीच बड़ी खबर निकल के आई है कि उद्धव ठाकरे बनेंगे मुख्यमंत्री, वो भी पूरे 5 साल के लिए। ये कहना है यहां पर शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का। यहां पर आप लोग संजय राउत का हमने जिक्र किया है, आप लोगों को बता दें शुरुआत से ही संजय राउत ये कहते रहे हैं, लगातार ट्वीट के माध्यम से बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं, सामना के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं। और उन्होंने एक लाइन हमेशा कही कि इस बार मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही बनेगा। उनकी बात यहां पर सच होने जा रही है, मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बनने जा रहा है। अगर आप लोग कहिए तो मैन ऑफ द मैच यहां पर संजय राउत को ही जाता है। जैसे उन्होंने यहां पर मोर्चा संभाला वो काबिलियत तारीफ है, क्योंकि उन्होंने हर स्तर पर बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया है और उनसे हर स्तर पर लड़ाई लड़ी है। क्योंकि यहां पर उनका कहना है, उन्होंने हमारे नेताओं को झूठा कहा है और हम ऐसा बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें, कपिल सिब्बल जो कि वकील भी थे एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें वकील भी थे और कांग्रेस के नेता भी हैं, और वो बोले हैं कि गृहमंत्री अमित शाह के इशारे पर चल रहे थे गवर्नर। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल ने सुबह 8 बजे से पहले कैसे शपथ दिला दिया था, राज्यपाल को देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने से पहले सोचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल गृहमंत्री के इशारे पर चल रहे थे, सुबह 5:47 पर राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया क्योंकि सुबह 10 बजे कोई और दावेदारी पेश करने जा रहा था, राज्यपाल को ऐसा करने से पहले विचार करना चाहिए था। सिब्बल ने कहा कि कर्नाटक में भी बीजेपी ने यही किया था, बीजेपी को देश और संविधान की कोई चिंता नहीं है, वो बस तोड़फोड़ कर सरकार बनाने में यकीन रखती है। अब देखते हैं कि चाणक्य जी क्या करते हैं। यहां पर चाणक्य जी की तो बुरी तरह से हार हुई है, लेकिन कर्नाटक के अंदर स्थिति अलग थी। यहां पर आप लोगों को बता दें, कर्नाटक में बाद में ऑपरेशन लोटस चलाया गया और अपनी सरकार बना ली, क्योंकि आप लोगों को बता दें बीजेपी सत्ता से दूर नहीं रह सकती है किसी भी कीमत पर, बीजेपी सत्ता में रहना चाहती है। इसलिए वहां पर वो जोड़ तोड़, वो पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से कर्नाटक के अंदर जोड़ तोड़ की गई थी, किसके इशारे पर की गई, ये भी आप लोगों को तो पता ही है। और यहां पर देख सकते हैं जोरदार निशाना कपिल सिब्बल की तरफ से बोला गया है अमित शाह के ऊपर, और कहा है कि बीजेपी तोड़ फोड़ कर ही राजनीति में यकीन रखती है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें, फडणवीस सरकार के इस्तीफे से भाजपा का घमंड चूर चूर हो गया है, ये कहना है एनसीपी के नेता नवाब मलिक का। आप लोगों को दोस्तों बता दें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने कहा कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस सरकार के इस्तीफे से भाजपा का घमंड चूर चूर हो गया है। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक ने बताया कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के नेता जल्द ही बैठक करेंगे। आप लोगों को बता दें बैठक हो भी रही है और जल्द ही राज्यपाल के पास ये दावा पेश कर दिया जाएगा सरकार बनाने के लिए, क्योंकि अब
पार्टियां देरी कोई भी किसी भी प्रकार की नहीं करना चाहती हैं, जैसे कि पहले किया गया इस गठबंधन की तरफ से पहले जिस प्रकार की देरी की गई वैसी यहां पर कोई भी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए जल्द से जल्द बैठकें हो रही हैं और जल्द से जल्द राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास दावा किया जाएगा कि हम सरकार बनाने के लिए आए हैं और हमारे पास बहुमत है, हमें सरकार बनाने दी जाए। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर हम आप लोगों को बता रहे हैं, नवाब मलिक ने फडणवीस की उस भविष्यवाणी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन अधिक समय तक नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ 5 साल नहीं बल्कि 20-25 साल से भी ज्यादा चलेगी। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने यह कहते हुए अपना इस्तीफा दे दिया कि निजी कारणों से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के इस्तीफा देने के बाद उनके पास बहुमत नहीं रह गया है, क्योंकि सारा देश जानता है असली एनसीपी शरद पवार के पास है और सभी विधायकों का समर्थन भी, ऐसी बात नहीं है, सभी विधायकों का समर्थन भी शरद पवार को प्राप्त है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी को आज लगा है महाराष्ट्र के अंदर तगड़ा झटका, सरकार गिर चुकी है बीजेपी की, क्योंकि बहुमत नहीं था बीजेपी के पास, फ्लोर टेस्ट पे जाने से पहले ही बीजेपी ने मान ली है यार। और अगर कुल मिलाकर के देखें तो अमित शाह पूरी तरह से फेल हो चुके हैं शरद पवार के आगे। शरद पवार ने यहां पर देख सकते हैं कि कैसे जीत दर्ज की है और उन्होंने दिखा दिया है कि वही हैं असली चाणक्य महाराष्ट्र के, उन्होंने आज ये साबित कर दिया है। दोस्तों तमाम नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकल के आई वो हमने आप लोगों को दोस्तों बताई, क्या पूरी न्यूज थी विस्तार से आप लोगों को बताई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक ये खबरें जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत